नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। माँ सरस्वती की प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर पूजन अर्चन किया गया। इस शुभ अवसर पर प्रबंध तंत्र समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा, सचिव प्रवीर कुमार सेन, संयुक्त सचिव सुब्रो सेन, सदस्य दीपाश्री सेन, प्रबंध समिति के अन्य गणमान्य सदस्य, मुख्य अनुशासक डॉक्टर अलका टंडन तथा डॉक्टर वर्षा खानवलकर ने माँ सरस्वती की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर पूजन किया। सभागार को पीत स्वेत तथा सुंदर अल्पना सुसज्जित किया गया। संगीत विभाग तथा अन्य विभागों के प्रवक्ता गणों, छात्राओं ने भजन तथा बसंत गीत प्रस्तुत किए। डॉक्टर शुभ्रा वाजपेयी, डॉक्टर प्रीता अवस्थी, डॉक्टर सारिका अवस्थी, डॉक्टर सुनीता पांडे ने पूजन की विशेष व्यवस्था की। कला विभागाध्यक्षा डॉक्टर रचना निगम तथा उनके सहयोगी प्रवक्ताओं तथा छात्राओं ने सभागार को सुंदर सात्विक रूप प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उक्त अवसर पर माँ सरस्वती का विशेष भोग खिचड़ी से लगाया गया। महाविद्यालय के समस्त प्रवक्ता गण, कर्मचारी गण तथा छात्राओं ने प्रसाद पाकर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर डॉक्टर निशी प्रकाश, डॉक्टर रेखा चौबे, रचना शर्मा, डॉक्टर चित्रा सिंह तोमर, डॉक्टर गार्गी यादव, डॉक्टर मोनिका सहाय, डॉक्टर प्रीति सिंह सहित सभी प्रवक्ता गण एवं कर्मचारी गण तथा छात्राएं उपस्थित रहे। आपको बता दें, दिनांक 17 फरवरी 2021 को माँ सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन 11:30 पर किया जाएगा। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट। आपका परिचय? ट्रेडिशन के साथ पूरा मनाया जाता है और दही चूड़े के प्रसाद के साथ माता जी की यहाँ पे स्थापना की गई है, भोग लगाया गया है और कल इनका विसर्जन होगा। तो अभी 24 घंटे तक माता जी की यहाँ पर पूजा होती रहेगी, लगातार उनका दिया जलता रहेगा और हमारे यहाँ ये बहुत ही मान्यता के साथ माना जाता है। जी, बच्चों में क्या जागरूकता मिली है आज के दिन ये वसंत पंचमी जैसे त्यौहार के लिए? काम होता है वो केवल किताबी नॉलेज देना नहीं है, उनके पूरे अपने कल्चर, अपनी संस्कृति की भी नॉलेज देना है। तो ज्ञान की देवी सरस्वती का ये उत्सव बच्चों को ये शिक्षा देता है कि हमें अपने देवी देवताओं और अपनी परंपराओं का मान रखना है और उनको लगातार मनाते रहना जी। आप एक अध्यापक हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बसंत पंचमी के अवसर पर कानपुर की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे, विद्यालयों को और महाविद्यालयों के बच्चों को? आज का जो उत्सव है ये सभी महाविद्यालयों में, सभी विद्यालयों में, सभी स्कूलों में मनाया जाता है और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं देवी माँ सरस्वती जी। तो हम सभी को जो है इनसे प्रार्थना करनी चाहिए और ज्ञान के लिए उपासना करनी चाहिए।